एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं सारा काम खत्म करके अब फ्री हो गई हूँ, तो पतिदेव जी बोले हैं कि मेहंदी बोल दो, तो मैं मेहंदी बोलने जा रही हूँ क्योंकि आज उनकी बुकिंग है एक, तो वो मेहंदी का काम करते हैं, तो इसलिए बोले कि मेहंदी बोल दो, तो मैं जा रही हूँ मेहंदी बोलने। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ देखते रहिए और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के लास्ट तक, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो देखिएगा, ये है नेचुरल मेहंदी, जो कि ये पिसवाकर पत्ते वाली मेहंदी मंगाते हैं और उसको फिर जो ब्राइडल बुकिंग होता है उसमें लगाने के लिए ये घर पे स्पेशली तैयार करते हैं। तो इसमें मैं पानी डाल करके और अच्छे से घोल देती हूँ, और पानी भी ये होता है बिस्लेरी वाला, मतलब कि अच्छे से कलर आए जिसमें कि, और इसमें फिर ऑयल वगैरह पड़ेगा तो वो बाद में पड़ेगा। तो मैं जब इसको अभी गीला करके और रखना होता है आधे घंटे तक के, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और लगाने में जो है कि मतलब कि लस्सी टाइप में निकले, कौन से जो जब दबाएंगे तो लस्सी टाइप में निकलेगा, तब अच्छे से लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं घोल दी हूँ और इसको ढक करके रख देती हूँ। जो मेहंदी में भिगोई थी वो पतिदेव जी अब मिला रहे हैं उसको, और इसमें ऑयल डालेंगे और अब इसे पन्नी में डालेंगे। किसी पन्नी में डालेंगे क्या? पकड़ू क्या इसे? ऐसे कटोरी उठा के डालते हैं आप। देखो ज्यादा टाइट दिख रहा है ना, ऑयल पड़ेगा तो हो जाएगा ना। तो देखिएगा इसी तरह से इसमें पन्नी में भर जाएगा और इसी में ऑयल भी मिला देंगे अच्छे से। क्यों निकालना है उसमें, ज्यादा हो गया क्या मेहंदी? मिला लीजिए, वहाँ काम ना पड़े, कहीं बढ़ भी सकते हैं मेंबर वगैरह। अरे तेल तो नहीं, तो फिर तेल नहीं डालोगे? इसमें डालूंगा ना, पतलो डालो। पानी देना। तो देखिए गाइस, एक ढक्कन डाल दिए और दो ढक्कन। ये किस चीज का तेल है? ये मेहंदी का ऑयल है, इससे कलर आता है बहुत डार्क। तो इतना सारा एक ही साथ पड़ रहा है? तीन ढक्कन डाल दिए, चार ढक्कन डाल दिए। चार डाल दिए, कोई बात नहीं। इसमें अभी थोड़ा सा पानी और डाल दिए, अब इस पर रबर बैंड लगा देंगे, फिर इसको अच्छे से मिलाना पड़ता है। और जिस किसी को ब्राइडल की बुकिंग करवानी होगा तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, कमेंट करना मैं दे दूंगी। और ये है कौन जो कि ये घर पे बनाते हैं, देखिए। फिर एक कौन भर के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे भरते हैं इसमें। इसमें रबर लगा दीजिए ना, फिर बंद कीजिए, इसमें रबर है नहीं। तो देखिए इस तरह से कुछ बंद करना होता है इसे, ताकि इसमें मतलब हवा भी ना रहने पाए। किस तरह से मिलाना होता है इसे, और जब खूब अच्छे से मिल जाएगा तब अच्छे से लगता है होगा ना, वहाँ पे मिल जाता होगा अच्छे से। तो मिला लीजिए, कौन भर के दिखा देना। जब ये तेल पड़ेगा सैली मेहंदी तेल, अब इसको भी डालेंगे जिससे कि कलर अच्छा है, और इसमें थोड़ा सा चीनी पड़ेगा एक चम्मच। तो देखिए इसमें चीनी पड़ गया है, और इन सबको अच्छे से मिला देते हैं, फिर जो कि मेहंदी ना नेचुरल हो जाती है, फिर वो हाथ स्किन पर से उखड़ती नहीं है जल्दी। जैसे कावेरी का लगाते हैं तो दो तीन दिन बाद फटने लगता है स्किन, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा से रहता है। और मेहंदी भी अच्छा वाला रहता है, और इसको भी खूब अच्छे से मिलाना होता है, तो पन्नी में बंद करके फिर जब मिलाते हैं तो अच्छे से मिल जाता है। देखिए अब दूसरी बार रबर बैंड इस पे लगा दिए। और आप में से किसी को मेहंदी सीखनी होगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और मतलब मेरे पतिदेव जी ना क्लास भी देते हैं यूट्यूब पे, तो उनका भी चैनल है मेहंदी आर्टिस्ट किशोर करके, तो उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और बहुत अच्छा अच्छा मेहंदी लगाते हैं ये। ये कटवा के ले आते हैं कोटला मार्केट से और इस तरह से कोन बनाते हैं। इस तरह से कोन को भरते हैं और देखिए इसमें मतलब थोड़ा सा ही डालना होता है ताकि ये कोन से बाहर ना निकले। और देखिए इस तरह से जैसे कि रेशा बन के निकल रहा है वैसे ही रेशा बन के निकलेगा वहां से जब भी मेहंदी की अच्छी डिजाइन बनती है। और देखिए ये रेशा जैसे गिर रहा है इस तरह से ही रेशा गिरेगा तभी जो है कि अच्छा से डिजाइन बनता है। और अब इसके पीछे रबर लगा देंगे और अच्छी तरह से बंध जाएगा ये। देखिए टूट गया तो अब दूसरा रबर लगा रहे हैं, पहला वाला टूट गया था। तो देखिएगा जो कि कोन बन के तैयार हो गया है अच्छे से। अब बताइए आप इसके बारे में। अब इससे मेहंदी लगेगी बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे, मुझे ही लगाएंगे पहले। देखिए मुझे लग रहा है मेहंदी, मेहंदी वाली की घरवाली हूँ ना इसीलिए मुझे सबसे पहले लग जाता है कभी कभी। देखिए यहाँ पे बन रहा है मेहंदी, ये सैंपल दे रहे हैं मुझे सिर्फ अभी। तो देखिएगा ये मुझे सैंपल दिए हैं थोड़ा सा ट्रेलर। मेहंदी बना रहे हैं और बाबू हमारे जो कि अब खेलना शुरू हो गया है इनका, और स्कूल का वर्क मिला है तो वो नहीं कर रहे हैं, बस बैलून लेके बस कूद रहे हैं इधर उधर। कहीं बेड से नीचे मत गिर जाना बेटा। दोस्तों मैं इस वीडियो का एंड दूसरे दिन कर रही हूँ तो आप लोग अब इसे ढेर सारा प्यार देना, और मैं शॉर्ट वीडियो जो मेहंदी वाला है उसको डाल दी हूँ तो आप लोग देख लेना। और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के आप लोग अपना ख्याल रखना, मेरा भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।